वेल, बिग बॉस के घर में एक बार फिर से कप्तानी के लिए एक टास्क हुआ। वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप, यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव। वेल, लेट मी टेल यू गाइस कि बिग बॉस के घर में कप्तानी के लिए एक टास्क दिया गया और उस टास्क के खत्म होने के बाद फाइनली कैप्टन चुना गया साजिद खान को। और अब बिग बॉस ने थोड़े से चेंजेस किए हैं इन बिग बॉस हाउस। जी हाँ, क्योंकि बिग बॉस को लगा कि काफी रिपीटेटिव चीजें हो रही हैं और ऑडियंस और साथ ही साथ बिग बॉस के घर के कॉन्टेस्टेंट भी काफी बोर फील कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस किए जाए। तो अब जो घर के नए कप्तान है साजिद खान, यानी कि अब से हर वीक जो भी कैप्टन बनेगा वो सिर्फ कैप्टन नहीं होगा, वो राजा होगा, घर का राजा। और उसके होंगे दो शाही लोग और उसके बाद होंगे तीन लोग, वो होंगे शाही कुक्स। और बाकी के बचे जितने घर वाले हैं वो होंगे रूम नंबर 4 और रूम नंबर 6 में, और वो होंगे घर के सबसे नकारा लोग, यानी कि मतलब जिन्हें राजा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और इन्हीं सारे लोगों को घर के सारे काम करने होंगे। और जो शाही कुक्स होंगे वो सिर्फ खाना बनाएंगे, ना ही वो बर्तन धुलेंगे और ना ही वो कोई अदर काम करेंगे। और राजा तो राजा है, और उसके जो दो शाही लोग हैं शिव और अब्दू, वो भी आराम से घर में मौज करेंगे इस वीक, पूरे वीक, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंज किया गया है बिग बॉस के घर में, वो शो की टीआरपी में कुछ चेंजेस लाएगा? शो की टीआरपी अप होगी कि डाउन होगी? आपको क्या लगता है? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? सो पोस्ट योर कमेंट्स नाउ, है ना। और साथ ही साथ बताओ कि क्या साजिद खान ने जो टास्क के दौरान बायस्ड पना दिखाया वो सही था या फिर गलत आपके हिसाब से? क्योंकि मेरे को तो लगा कि वो काफी बायस्ड हो गए थे। और जब भी जो फ्रीज वाला टास्क था कि जब बिग बॉस फ्रीज बोलेंगे और सब लोग रुक जाएंगे, उसके बाद घर के जो मतलब संचालक बनाए गए थे उस वक्त साजिद खान, और वो दो लोगों को लेकर जाएंगे और पूरे घर का मतलब प्लेस दिखाएंगे, टूरिज्म करवाएंगे एक तरह से, राइट। और वो हर बार अपने ही ग्रुप के लोगों को जा रहे थे लेकर, बाकी जो अदर ग्रुप था उसको लेकर नहीं जा रहे थे। तो अब फाइनली जब वो कैप्टन बन गए हैं तो अब घर में एक और ग्रुप बन गया है। सो फाइनली अब बिग बॉस के घर में दो नहीं तीन ग्रुप्स हो चुके हैं, राइट। तो चलो फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दैट अ बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, साथ ही साथ बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।